Hello students, how are you all? Hope you all fine. Today we are going to discuss class 10th chapter 6th triangles. Triangle is the most important chapter because इसमें सबको problem आनी है क्योंकि ये chapter geometry regarding है और geometry से regarding जो chapter होता है उसमें student को बहुत कम समझ आता है. But मैं आपको ये guarantee देता हूँ आप इस video को देखने के बाद इस chapter के introduction part से 100% अपना आपको confidently proof कर देंगे कि we are able to do these questions. इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे आप इजीली कर पाएंगे. उस पहले इंट्रोडक्शन के अंदर ट्रायंगल्स क्या हैं, उनकी डेफिनेशन, उनके बारे में हम कुछ नहीं पढ़ेंगे. हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स की अदर प्रॉपर्टीज, जैसे ट्रायंगल्स में सिमिलर कौन से होते हैं, कॉन्ग्रुएंट कौन से होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. ट्रायंगल्स के अंदर सिमिलर कॉन्ग्रुएंट के लिए पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं. तो ज्योमेट्री फिगर्स हैविंग द सेम शेप बट द डिफरेंट साइज आर नोन एज अ सिमिलर फिगर्स. ये एक सिंपल डेफिनेशन है सिमिलरिटी की. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. सिमिलरिटी का मतलब कह सकते हैं कि एक पर्सन की दो फोटोग्राफ, एक आप पासपोर्ट साइज फोटो ले लीजिए और एक बिग पोस्टर ले लीजिए, तो उसमें जो दिखने वाला पर्सन है वो तो सेम है. यानी जो सिमिलर फिगर होते हैं उसमें जो शेप जो होता है वो तो सेम होता है बट साइज आर डिफरेंट. यही बात कह रहा है सेम शेप, शेप जो होता है वो सेम होता है बट साइज आर डिफरेंट. तो मैंने यहां पर एग्जांपल बनाया है दो सर्कल का. देखिए एक सर्कल जो है वो 2 सेंटीमीटर रेडियस का है और एक 10 सेंटीमीटर. दोनों की साइज जो है वो अनइक्वल है बट दोनों का शेप है वो सेम है, दोनों ही सर्कल है तो दोनों ही सिमिलर होंगे. ऐसे भी एग्जांपल और आपके माइंड में होंगे, जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर में ईच एंगल 90 डिग्री होता है बट स्क्वायर की साइड जो होती है वो अलग अलग होती है तो वो सिमिलर फिगर कहलाएंगे. सिमिलर आप समझ गए होंगे कि शेप जो है वो सेम होगा बट साइज आर डिफरेंट. अब आते हैं कॉन्ग्रुएंट. टू ज्योमेट्रिक फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड द सेम साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. अब इसमें जो पहले बात थी सिमिलर के अंदर कि आपको सिर्फ साइज डिफरेंट होगी बट यहां पर क्या है कि साइज भी सेम होनी चाहिए और शेप भी सेम होना चाहिए, दोनों ही कंडीशन होगी तब वो फिगर कॉन्ग्रुएंट होगा. ज्योमेट्रिक फिगर्स हैविंग अ सेम शेप एंड सेम साइज. तो यहां देखिए मैंने ट्रायंगल शेप बनाया है, इसमें ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर लिया है जिसमें मैंने दो एंगल्स, सारे एंगल्स इक्वल बनाए हैं और इनकी साइज भी देखिए मैंने दोनों सेम बनाई है. तो इसके अंदर साइज और शेप दोनों ही सेम होना चाहिए. अब अगर मैं बात करूं तीसरे पॉइंट की, तीसरा पॉइंट इज इंपॉर्टेंट और एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर. अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमेशा सिमिलर होंगे बट इसका कन्वर्स जो है वो हमेशा ट्रू हो इट इज नॉट नेसेसरी. यानी अगर सिमिलर है वो कॉन्ग्रुएंट हो कोई जरूरी नहीं है बट कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर जरूर होगा. ये कह रहा है टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर, ये तो ऑलवेज हैं बट यहां पर टू सिमिलर फिगर नीड नॉट बी अ कॉन्ग्रुएंट, ये कोई जरूरी नहीं है. ऐसा क्यों, ऐसा रीजन क्या है, तो इसके देखें ये सिमिलर का सिंबल है, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है. तो कॉन्ग्रुएंट में तो सिमिलर का सिंबल ही इंक्लूड है, मतलब जो फिगर कॉन्ग्रुएंट है वो तो सिमिलर होगा ही होगा. लेकिन जो सिमिलर होगा उसमें कॉन्ग्रुएंट हो ये कोई जरूर नहीं है बट इक्वल का साइन इसमें नहीं है. यानी जो सिमिलर है वो कॉन्ग्रुएंट हो कोई जरूर नहीं है बट जो कॉन्ग्रुएंट है वो हमेशा सिमिलर होगा. ये ध्यान रखना आपको कि सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा बट कॉन्ग्रुएंट जो है वो सिमिलर होगा ही होगा. ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट आर कंफ्यूज. नेक्स्ट देखें, टू ट्राइंगल्स आर सेट टू बी सिमिलर टू ईच अदर. अगर दो ट्राइंगल्स आपको सिमिलर प्रूफ करने हैं तो कंडीशन क्या है. पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. जो भी ट्राइंगल्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल, उनके इक्वल होने ही चाहिए एंगल्स. तो पहली कंडीशन, एंगल इक्वल नहीं है तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे, सॉरी सिमिलर नहीं कहेंगे. अगर सिमिलर नहीं है तो फिर सेकेंड प्रॉपर्टी, द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल में आना चाहिए, साइड प्रोपोर्शनल माननी चाहिए. पहली कंडीशन है एंगल इक्वल होने चाहिए, दूसरी कंडीशन है साइड्स प्रोपोर्शनल हो सकती हैं. ये जरूर ध्यान रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में चेंज करके बात पूछी जाती है. देन लास्ट फिफ्थ एक थ्योरम ली है मैंने, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको मैंने 5 स्टार मार्क किया है. इसको आप जरूर जरूर याद कर लें, रोज इसको एक दो बार प्रैक्टिस करें. ये ज्योमेट्री के अंदर डेफिनेट क्वेश्चन बनता है और काफी बार एग्जाम में पूछा गया है. दैट्स व्हाई आई मार्क 5 स्टार दे रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 5 पॉइंट पे लिया है मैंने इसको.
तो बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम, और इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। थेल्स इसलिए कहते हैं, मैथमेटिकल थेल्स ने इसको इन्वेंट किया था, इसको डिस्कस किया था। इफ अ लाइन, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको बार बार स्टेटमेंट के साथ में याद रखें, स्टेटमेंट भी लर्न करें और थ्योरम्स का जो प्रूफ है वो भी आपको लर्न करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन अ पैरेलल टू वन साइड, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersecting the other two sides, then it divides the two sides in a same ratio. क्या कहते हैं थ्योरम? कोई भी ट्राइंगल है ABC, उसमें हमने एक बेस की या कोई भी साइड की हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, यानी DE BC के पैरेलल हैं। तो जो इंटरसेक्टिंग पार्ट हो रहे हैं, ये जो पार्ट्स हो रहे हैं, उन पार्ट्स का रेशियो भी इक्वल होगा, मीन्स AD और DB का रेशियो इस आमने वाले अपोजिट साइड के रेशियो, यानी AE और EC के रेशियो के इक्वल होंगे। यही थेल्स थ्योरम है, यही बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम है, और इसी को शॉर्ट में कहते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बीपीटी। एग्जाम में डायरेक्ट आता है राइट द स्टेटमेंट ऑफ बीपीटी, तो आपको पता होना चाहिए इसकी बात हो रही है, थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिखी है इसकी बात हो रही है, तो इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। देन सर कन्वर्स भी इंपॉर्टेंट है, कन्वर्स कम पूछा जाता है बट इंपॉर्टेंट है कन्वर्स। कन्वर्स क्या कहता है? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम कहता है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, इसका ही जस्ट अपोजिट पार्ट है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी अ पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर मैं कहता हूं कि यहां पर जो रेशियो है एडी और डीबी का रेशियो अपोजिट साइड एई और ईसी के रेशियो के इक्वल है, इसका मतलब ये डीई हमेशा पैरेलल होगी अपोजिट साइड के, यानी डीई मस्ट बी अ पैरेलल टू बीसी। ये कन्वर्स थ्योरम है। देन इसके बाद सेवंथ मैंने पाइथागोरस थ्योरम लिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम सेवंथ क्लास पढ़ चुके हैं, बट वो थोड़ा सा अलग है और ये थोड़ी सी अलग थ्योरम है, इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, वो प्रूफ भी आप जरूर देखें। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, किसी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर उसकी जो अदर टू साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ये वी नो दैट ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी इज द परपेंडिकुलर, बी सी इज द बेस और ए सी इज द हाइपोटेन्यूज, मींस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर का मतलब यहां ध्यान रखें, हम स्क्वायर डिराइव करते हैं, यहां पर स्क्वायर बनाते हैं और यहां पर स्क्वायर बनाते हैं और यहां पर स्क्वायर बनाते हैं, इसलिए इसको स्क्वायर कहा गया है। यानी ये एरिया प्लस ये एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, दैट्स व्हाई वी आर गिवन दिस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देन इसका कन्वर्स थ्योरम, कन्वर्स थ्योरम कहता है, कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ अ वन साइड, किसी ट्राइंगल में किसी साइड का एक स्क्वायर किसी अदर सम ऑफ द अदर साइड ऑफ स्क्वायर then the angle opposite to the first side is a right angle. अगर हम कहते हैं in a triangle, किसी triangle में if the square of one side, किसी one side का square is equal to the sum of the squares of the other two side के square के बराबर हो, तो angle opposite to the first side is a right angle, वो right angle होगा ही होगा। ये तो कुछ चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसके बाद हम चैप्टर्स के क्वेश्चंस करेंगे। एक बार प्लीज इसका स्क्रीन शॉट ले लें। एक्सरसाइज 6.1 के अंदर देखिए ओनली 3 क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन फिलअप है, देख लेते हैं बिकॉज हमने अभी इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया है और आई होप आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखें, ऑल सर्कल्स आर क्या होंगे? सारे सर्कल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट या सिमिलर, हमने बात की थी तो आपको पता है सारे सर्कल्स क्या होंगे? सिमिलर, कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे बिकॉज सारे रेडियस इक्वल नहीं होती, तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा? सिमिलर। नेक्स्ट देखें, ऑल स्क्वायर्स आर, सारे स्क्वायर क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट या सिमिलर, आपको पता है सारे स्क्वायर क्या होंगे? सिमिलर, बिकॉज सारे स्क्वायर के एंगल 90 डिग्री होते हैं, कॉन्ग्रेंट नहीं होता, अगर साइड इक्वल है तो ही कॉन्ग्रेंट होंगे, तो ये सिमिलर होगी। इसके बाद ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कौन से ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं? आइसोसेलेस या इक्विलेटरल, आइसोसेलेस मीन्स इसकी दो साइड इक्वल हो
और इक्विलेटरल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। तो मैंने आपको बताया था अगर तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, और तीनों एंगल मीन 60 60 60, तो 60 60 मीन एंगल इक्वल होने चाहिए। तो इसमें क्या आएगा, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देन नेक्स्ट देखते हैं, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ द साइड आर सिमिलर। फर्स्ट कंडीशन दे रखी है, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल या प्रोपोर्शनल। दो ऑप्शन दे रखे हैं, इक्वल या प्रोपोर्शनल। तो हमें पता है एंगल हमेशा इक्वल होने चाहिए। और सेकंड में आएगा, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, साइड क्या हो सकती है, प्रोपोर्शनल हो सकती है सिमिलर के लिए। तो ये आपके लिए ए का आंसर हो जाएगा और ये आपका बी का आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर का एग्जांपल देना है आपको, जो सिमिलर फिगर्स हो। तो अभी हमने देखा था, आप दो सर्कल ले सकते हैं, दो स्क्वायर ले सकते हैं, दो ट्रायंगल ले सकते हैं, वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ये दोनों, ये सारे फिगर्स जो है वो सिमिलर के लिए है। सेकेंड ऑप्शन देखा है, नॉन सिमिलर फिगर, जो सिमिलर फिगर नहीं हो। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमने सर्कल ले लिया और एक ट्रायंगल ले लिया, एक सर्कल और एक स्क्वायर ले ली थी, ये दोनों सिमिलर नहीं है बिकॉज दोनों कहीं से भी कोई रिलेटेड नहीं है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें क्या है, आपको दिखने में लगेगा ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे, बट यहाँ पर स्टूडेंट की असली टेस्टिंग होती है कि उसने कितना चैप्टर को ध्यान से समझा है, कितना उसने पढ़ा है। तो देखिए 1.5 1.5 1.5, अगर मैं यहाँ 3 3 3 लिख दूं तो भी ध्यान रखना ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे। सिमिलर के लिए फर्स्ट कंडीशन होती है एंगल शुड बी इक्वल, एंगल इक्वल होने चाहिए। अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज करना चाहूं, यहाँ पर सर मैं 3 3 लिखकर आपसे पूछूं क्या ये सिमिलर हैं, वो भी ये सिमिलर नहीं होंगे, बिकॉज इसमें एंगल इक्वल नहीं देंगे, बिकॉज यहाँ सारे एंगल्स, ईच एंगल 90 डिग्री दे रखा है और यहाँ पर एंगल्स इक्वल नहीं है। ये रॉम्बस का फिगर है और ये स्क्वायर का फिगर है, तो ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे बिकॉज एंगल्स आर नॉट इक्वल। अच्छा, अब ऐसे का ऐसा बना के टेस्ट पेपर मैंने इस लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है प्रैक्टिस के लिए, तो इनको सॉल्व करने के बाद उस प्रैक्टिस सेक्शन को भी सॉल्व करना और अपना आपको चेक करना कि यू हैव टू अंडरस्टैंड और नॉट, आप समझ में आया है या नहीं आया आपको, बिकॉज ऐसा कैसा मैंने क्वेश्चन बना के डाला है प्रैक्टिस सेट में, तो उसको प्रैक्टिस जरूर करना। इसके अलावा इस सारे का स्क्रीनशॉट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है, उसको भी आप देख लेना, नोट कर लेना। इन वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा देखें, ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे आपको और अच्छे वीडियो मिले, बिकॉज हम लोग इससे मोटिवेट होते हैं। आप जितने वीडियोस देखते हैं, जितने लाइक्स आते हैं, जितने कमेंट्स आते हैं अच्छे अच्छे, उतना हम लोगों को एनर्जी मिलती है, वी गेट अ पॉजिटिव एनर्जी। तो इन सारे वीडियोस को देखें और ये आपके एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को हम टच कर रहे हैं। थैंक यू।